नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट हसल। दोस्तों, राहुल कोहली और पुजारा के आउट होने के बाद आया रोहित शर्मा का तूफान, बजा दी पूरी इंग्लैंड की टीम की बैंड। तो क्या है पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी रोहित के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच लीड्स के हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। टीम को पहली ओवर में बड़ा झटका लगा। जेम्स एंडरसन ने पिछले मैच में शतक लगाने वाले केएल राहुल को शून्य पर पवेलियन भेज दिया। तब भारत का स्कोर सिर्फ 1 रन पर था और इसके बाद एंडरसन ने चेतेश्वर पुजारा को भी जल्द ही पवेलियन भेज दिया, वह सिर्फ 1 रन बना सके। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने भी फिर से एक बार क्रिकेट फैंस को निराश किया और 17 गेंदों में मात्र 7 रन बनाकर जेम्स एंडरसन का शिकार बने और पवेलियन लौट चुके हैं। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा ने टीम का अच्छा साथ देते हुए मुश्किल समय में एक छोर संभाल रखा है। दोस्तों, विराट कोहली के आउट होने के बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए भारतीय टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आ गए हैं और साथ ही हेडिंगले की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हुई है, क्योंकि अभी तक भारतीय टीम के तीनों विकेट जेम्स एंडरसन के नाम रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में भारतीय टीम के पास 4 तेज गेंदबाज हैं, तो शायद इंग्लिश बल्लेबाजों को भी भारतीय टीम के गेंदबाजों के आगे टिक पाना मुश्किल होगा। और दोस्तों, इस समय रोहित शर्मा 56 गेंदों में 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और उनका बखूबी साथ निभा रहे अजिंक्य रहाणे 17 गेंदों में 1 रन बनाकर नाबाद है। दोस्तों, रोहित शर्मा क्रीज पर इंग्लिश बल्लेबाजों का डटकर सामना कर रहे हैं और कोई भी इंग्लिश बल्लेबाज उन पर हावी नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि रोहित शर्मा यहां से एक अच्छी पारी खेलकर भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में सफल रहेंगे। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा शतक बना पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।